कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा था आपने, हम एक्सप्रेस रोड पे खड़े थे, वहाँ पे मैंने ब्लॉग एंड किया था। सोए नहीं थे वहाँ पे, उसके बाद गाड़ी चला रहा था मैं। और अब टाइम हो रहा है दिन के एक, आज लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस। मैं सोया हुआ था, अभी उठा। सो अभी करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। अभी पहुँचे हम आगरा से, आगे जो इटावा होता है, इटावा से पीछे थोड़ा चल रहे हैं, कंटिन्यू। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। पीली चाय और निकल चुके हैं यहाँ से, दिख रहा होगा, देख लो। अब ये हमने जाले लगा दिए ऊपर, ये डाल दिया घास, मस्त लग रही है अपनी गाड़ी। चल रहे हैं अपने उस्ताद जी जा रहे हैं गाड़ी, देख सकते हैं आप। मस्त व्यू है यहाँ का इस टाइम पे, शाम के टाइम पे मज़ा ही आता है। व्यू एक अलग व्यू दिखता है। तो बने रहे गाइस, दिखाएंगे आपको जहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज तो पहुँच गए रात, कल सुबह तक पहुँच जाएंगे, कल गाड़ी अनलोड भी हो जाएगी। रात को चलना पड़ेगा कंटिन्यू, अगर चलते रहे तो पहुँच जाएंगे। यहाँ से रह गया है बनारस 400 किलोमीटर, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। भाई हाथ दे रहे हैं गाड़ी वाले, पता नहीं क्या बोलते, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, मिलते हैं इनसे। भाई मांग रहे थे व्हील पाना और लगा दीजिए अपनी गाड़ी साइड पे, इधर ही दिया उनको व्हील पाना भी। सेब भरे लेकिन क्या करें, उसने हेल्प मांगी, आधे घंटे का काम था, दिया व्हील पाना। और अब निकल चुके हैं यहाँ से, टायर लगा दिया उन्होंने, क्या करें यार। ड्राइवर बंदे ने, ड्राइवर बंदे की हेल्प तो करनी चाहिए, अगर हम नहीं एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। तो हो गया अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू। सो बने रहे गाइस हमारे साथ। गाइस रुके से पीछे थोड़ा, शाम को होता है थोड़ा ट्रैफिक वालों का चक्कर होता है, इसलिए रुके से थोड़ा एक घंटा रुके, फिर निकल गए। ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे कानपुर, ये फ्लाई ओवर है कानपुर का, बहुत लंबा फ्लाई ओवर है यहाँ पर, 25 किलोमीटर से का फ्लाई ओवर है। बाकी सिटी रहेगी नीचे, इस टाइम शाम के टाइम गाड़ियों का रश बहुत होता है। टाइम हो रहा है 8, देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ इधर। सो चल रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं, पहुँचना भी है सुबह, देखते हैं। बने रहे हमारे साथ, फुल ब्लॉग मिलेगा आपको आज रात का, आज नाइट ब्लॉग बनाएंगे, सुबह एंड करेंगे इस ब्लॉग को। सो बने रहे गाइस हमारे साथ। गाइस कंटिन्यू, अभी तक फ्लाई ओवर ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इस पे चढ़े हुए कोई 40 मिनट हो गए। ये है कोई 25 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर गाड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। ये कानपुर बाईपास सीधा ऊपर से फ्लाई ओवर है, बहुत लंबा है गाइस, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो बने रहे गाइस हमारे साथ, देखते हैं अब खत्म हो करते हैं। सो गाइस या कानपुर रास रुके यहाँ पे, पीते चाय, खाना तो नहीं खाएंगे अभी, लेट ही खाएंगे, 11-12 बजे के बाद ही खाते हैं हम खाना। तो पीते हैं गाइस चाय, फिर निकलते हैं कानपुर गया रास। अब सीधा यहाँ से फतेहपुर, फतेहपुर से इलाहाबाद से बनारस पहुँच जाएंगे सुबह, फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस रुके हैं यहाँ पे, यहाँ से बनारस रह गया है जहाँ हमें जाना है 177 किलोमीटर रह गया। तो अब आगे नहीं जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह देखेंगे। सामने बोर्ड लगा हुआ है बनारसी 177, तो ये लगा दी अपनी गाड़ी यहाँ पे, ये होटल यहाँ पे खाएंगे खाना। अभी तक हमने खाना नहीं खाया था, हमने सोचा था चलेंगे, लेकिन अब रुकना है, अब खाते हैं खाना तो सो जाएंगे। क्या करें यार, नींद आ जाएगी, कोई और सीन हो जाएगा रास्ते में, क्या फ़ायदा। चलते हैं, मिलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अंदर ब्लॉग में।